हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माँ बेटी ब्लॉग में। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे चने के निमोने यूपी स्टाइल में। कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे आलू को फ्राई करने के लिए। लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, प्याज की पोही, हरा धनिया, इन सबको डालकर मिक्सर में ग्राइंड कर। ये देखिए हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं धीरे धीरे। देन आफ्टर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। देखिए हमारा ग्रीन मसाला तैयार हो गया है और हम ज़्यादा निमोने में मसाला नहीं डालते हैं, ग्रीन मसाला ही डालते हैं केवल। देखिए दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने ग्रीन मसाला तैयार किया था उसी में हम ये ग्रीन चने डाल देते हैं और इसको मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे और थोड़े से चने बचा लेंगे ताकि ऊपर से डेकोरेट हो जाए और खाने में भी बहुत टेस्टी लगे। दोस्तों हमारा चना पिसकर तैयार हो गया और इधर हमारा आलू भी फ्राई हो गया। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बचे हुए ऑयल में हम खड़ा मसाला डालेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आंच पर भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, प्याज हमारा भुन रहा है। ये देखिए दोस्तों, प्याज हमारा बस ब्राउन होने ही वाला है। ये देखिए दोस्तों, हमारे प्याज का कलर बहुत प्यारा हो गया है जहाँ तक ये भुंज गया है। अब इसमें हम ग्रीन चने को डाल देंगे और इसको धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनेंगे। देखिए हमारे चने भुन रहे हैं। देखिए हमारा चना भुनकर तैयार हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे ग्रीन मसाला, धनिया, लहसुन, हरी मिर्च वाला ग्रीन मसाला और इसको भी 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमारा मसाला भुनकर तैयार हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को हल्का भूनेंगे और इसको ढक देंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुनकर तैयार हो गया और टमाटर भी हल्का हल्का पक गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही, वाह। ये देखिए टमाटर को मसल मसल कर और गला देंगे। इसमें डालेंगे दही। दही डालने से इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी हो जाता है। डालने पर हम आंच को एकदम धीमा रखेंगे, नहीं तो हमारा दही फट जाएगा। देखिए हमारा दही एकदम मसाले में मिक्स हो गया है और इसमें अब हम डाल देंगे कुछ मसाले। लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि हमने हरे मसाले में ग्रीन मिर्च ऑलरेडी डाल रखी है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पिसा धनिया मिक्स कर देंगे। पानी हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि देख लेंगे ग्रेवी कैसी है। और अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने आलू फ्राई किए थे वो और बचे हुए चने और इसको मिक्स कर देंगे। तो अब हमारे निमोने में उबाल आने लगा और इसको हम ढक देंगे। ढक कर धीमी आंच पर 15 मिनट तक पकाएंगे। देखिए दोस्तों हमारा निमोना बनकर तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक। एंड आफ्टर मिक्स वेल। ये देखिए हमारा निमोना बनकर तैयार हो गया है और इसकी ग्रेवी भी एकदम ठीक है। ये हमारा यूपी स्टाइल निमोना बनकर तैयार हो गया है और इसको सर्व करेंगे चावल के साथ में। ये देखिए, दोस्तों हमारा चने का निमोना और चावल, मेथी आलू की सब्जी, सलाद और उसके साथ 2 फुल्कियाँ तैयार है हमारा यूपी का खाना। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं हमारे निमोने की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।